जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। हम कर रहे हैं CBSE क्लास 9th के मैथ्स की सीरीज़, चैप्टर 2 पे हैं। पॉलिनोमियल्स कर रहे हैं, हमें पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.4 करनी है। फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड NCERT क्वेश्चंस। फैक्टर थ्योरम का कंसेप्ट मैं आपको करा ही चुका हूँ। चलिए NCERT क्वेश्चंस करने की शुरुआत करते हैं। ज़रा देखिए क्या कहता है। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x प्लस वन अ फैक्टर। बताना है कि इन चारों में से किसका x प्लस वन एक फैक्टर है। कोई दिक्कत नहीं है, आपके सामने इक्वेशन लिखी है, लिखिए ज़रा x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब आपको बताना है कि x प्लस वन इसका एक फैक्टर है कि नहीं है। तो देखो x प्लस वन का ज़ीरो क्या होगा, x प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो x इक्वल टू माइनस वन आएगा। यानी कि अगर मैं माइनस वन पुट कर दूं इसमें और ये भी ज़ीरो हो जाए, इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। चलिए ज़रा करके देखते हैं। आपके सामने ये पी एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो आप x की जगह वन रखिए, सॉरी माइनस वन रखिए, तो ये हो जाएगा माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। तो माइनस वन का क्यूब ये माइनस वन ही रह जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर प्लस का वन हो जाएगा, ये माइनस वन प्लस वन। तो देखिए प्लस वन माइनस वन कैंसिल, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, ये हो जाएगा ज़ीरो। फाइनली इसका मतलब है कि एक्स प्लस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ द गिवन इक्वेशन, है ना। दूसरी इक्वेशन आपके सामने दी हुई है एक्स पावर फोर प्लस एक्स पावर थ्री प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। क्या दिक्कत है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं। क्या है, एक्स पे पावर फोर प्लस एक्स पे पावर थ्री प्लस एक्स पे पावर टू प्लस एक्स प्लस वन, ये इक्वेशन दी है एज अ पी एक्स। और आपको चेक करना है कि एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है कि नहीं। सेम वे एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो अगर लें तो एक्स इक्वल टू माइनस वन आएगा, यानी कि आपको पुट करके देखना है एक्स की जगह माइनस वन। तो ये हो जाएगा माइनस वन पे पावर फोर प्लस माइनस वन पे पावर थ्री प्लस माइनस वन पे पावर टू प्लस माइनस वन प्लस वन। ये हो जाएगा माइनस वन पावर फोर, ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा माइनस वन, ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा माइनस वन, ये हो जाएगा वन। तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, एक वन बच गया। तो इसका मतलब है रिमाइंडर बच रहा है। अब रिमाइंडर बच रहा है इसका मतलब ये फैक्टर है नहीं, यानी कि इसका x प्लस वन इज़ नॉट अ फैक्टर, ये x प्लस वन इसका फैक्टर नहीं है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, मैंने साइड में लिख लिया, बार बार ऊपर स्क्रॉल करना पड़ रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है x पावर फोर प्लस थ्री एक्स पावर थ्री प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये आपके पास दिया हुआ है एज अ पी एक्स और पूछ रहा है कि इसका x प्लस वन एक फैक्टर है कि नहीं। तो सेम वे x इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा, तो पुट करिए p x की जगह माइनस वन, तो यानी हो जाएगा माइनस वन पे पावर फोर प्लस थ्री इंटू माइनस वन पे पावर थ्री प्लस थ्री इंटू माइनस वन पे पावर टू प्लस माइनस वन प्लस वन। ये हो जाएगा प्लस का वन, ये हो जाएगा माइनस का थ्री, ये हो जाएगा माइनस प्लस का थ्री, ये हो जाएगा माइनस का वन प्लस का वन। तो देखिए माइनस का वन प्लस का वन कैंसिल, माइनस का थ्री प्लस का थ्री कैंसिल, यहाँ पर बच गया वन, यानी कि अभी भी रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब यहाँ भी एक्स प्लस वन इज़ नॉट अ फैक्टर, ये भी फैक्टर नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर पी एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू। अब यहाँ पर चेक करना है आपको कि x प्लस वन ये फैक्टर है कि नहीं। तो यहाँ पर x इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा, पुट करके देखिए x की जगह माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस वन का क्यूब, ये हो जाएगा प्लस माइनस वन का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस टू प्लस रूट टू इंटू माइनस वन प्लस रूट टू। ये करेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का वन, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस वन इंटू माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस का वन, तो ये रह जाएगा टू प्लस रूट टू, प्लस का ही रह जाएगा ना भाई, माइनस वन इंटू माइनस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, अब बच गया साइड में प्लस रूट टू। ठीक है, अब चेक करिए ज़रा, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, अब ये टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू, तो ये रह गया आपके पास टू प्लस टू रूट टू।
तो अभी भी ये एज अ रिमाइंडर बचा, यानी कि ये फैक्टर नहीं है, एक्स प्लस वन इसका फैक्टर नहीं है, समझे? ये क्लियर हो गया ये बात? आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब यहाँ पर सेम वही जो अभी आप ऊपर करके आए हैं वही आपको यहाँ करने को कह रहा है। पहले इक्वेशन में दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन, और यहाँ पर जी एक्स आपको दे रखा है एक्स प्लस वन। तो यानी कि अगर ये फैक्टर होगा तो एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो होगा, यानी एक्स इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा। अब ये एक्स की वैल्यू माइनस वन आप इस पी एक्स में पुट करिए, एक्स की वैल्यू माइनस वन रखने पर ये हो जाएगा टू इंटू माइनस वन का क्यूब प्लस इंटू माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस वन माइनस वन। तो माइनस वन का क्यूब माइनस वन इंटू टू, तो ये हो जाएगा माइनस का टू प्लस का वन प्लस का टू माइनस का वन। तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल, प्लस टू माइनस टू कैंसिल, ये ज़ीरो हो गया। ज़ीरो हो गया मतलब यस, एक्स प्लस वन इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। दूसरा क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पी एक्स आपके सामने गिवन है फिर से एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन के रूप में, और जी एक्स आपको पास गिवन है एक्स प्लस टू के रूप में। तो अब यहाँ पर जी एक्स एक्स प्लस टू है, इसका मतलब फैक्टर अगर ये होगा तो एक्स प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो होगा, यानी एक्स इक्वल टू माइनस टू होगा। यानी कि आप एक्स की वैल्यू माइनस टू पुट करके इसमें देखिए, तो पी एक्स की जगह माइनस टू, तो हो जाएगा माइनस टू का क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस टू प्लस वन। तो ये हो जाएगा माइनस का एट प्लस टू टू जा फोर थ्री जा ट्वेल्व, ये हो जाएगा माइनस का सिक्स प्लस का वन। तो ये हो जाएगा बारह और एक तेरह और आठ छः चौदह, तो ये हो जाएगा माइनस का चौदह प्लस का तेरह, यानी कि रिमाइंडर बच गया माइनस का वन। और रिमाइंडर बचने का मतलब है कि एक्स प्लस टू इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है ना? क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स इसका फैक्टर है कि नहीं एक्स माइनस थ्री। तो लिख देते हैं ज़रा, क्या दे रखा है पी एक्स के रूप में, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स, और जी एक्स के रूप में दे रखा है एक्स माइनस थ्री। तो यहाँ पर एक्स माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो एक्स इक्वल टू थ्री हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू थ्री आप इसमें पुट करें तो क्या ज़ीरो होता है, चेक करो। एक्स की वैल्यू थ्री पुट करने पर ये हो जाएगा थ्री का क्यूब माइनस फोर इंटू थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सिक्स, ये हो जाएगा थ्री थ्री जा नाइन, थ्री जा ट्वेंटी सेवन माइनस थ्री थ्री जा नाइन, फोर जा थर्टी सिक्स प्लस थ्री प्लस सिक्स, तो ये हो गया सत्ताईस और तीन तीस और छः छत्तीस माइनस छत्तीस इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो हो गया मतलब यस एक्स माइनस थ्री इज़ अ फैक्टर। क्लियर है? ये बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं ज़रा हम। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ एक्स माइनस वन इज़ अ फैक्टर। एक्स माइनस वन अगर फैक्टर है तो के की वैल्यू निकालिए, ये कह रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, निकालते हैं ज़रा। पहला क्वेश्चन क्या है, पी एक्स क्या दे रखा है, दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, और इसका कह रहा है कि एक्स माइनस वन फैक्टर है। फैक्टर है तो एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो होगा, यानी एक्स इक्वल टू प्लस वन होगा। तो ज़रा एक्स की वैल्यू वन पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू वन पुट करेंगे तो हो जाएगा वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के, तो हो जाएगा वन का स्क्वायर वन प्लस वन प्लस के इक्वल टू ज़ीरो, यानी टू प्लस के इक्वल टू ज़ीरो, यानी के इक्वल टू माइनस टू। तो के की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस टू, ठीक है? सेम अगला इक्वेशन आपके सामने दिया हुआ है, पी एक्स इक्वल टू दे रखा है टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट टू। यहाँ भी एक्स माइनस वन से ही चेक करना है, यानी आप एक्स की वैल्यू वन पुट करिए, तो पी इंटू एक्स की वैल्यू वन पुट करने पर क्या होगा, टू इंटू वन का स्क्वायर प्लस के इंटू वन प्लस रूट टू, तो ये हो जाएगा टू प्लस के प्लस रूट टू, यानी कि ये हो जाएगा के इक्वल टू माइनस का टू प्लस रूट टू, उस तरफ चला गया तो, यानी के की वैल्यू ये आ गई, ठीक है? अगला भी आप करके देख लीजिए, यहीं पर इक्वेशन आपके सामने है, क्या है, पी एक्स दे रखा है आपको के एक्स स्क्वायर
माइनस रूट टू एक्स प्लस वन, यहाँ पर भी x माइनस वन ही चेक करना है। तो हम जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा k इंटू वन का स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू वन प्लस वन, तो ये हो जाएगा k माइनस रूट टू प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हो जाएगा k इक्वल टू रूट टू माइनस वन। ठीक है, अब ये क्या है, k की वैल्यू आ गई। अगला क्वेश्चन जो इसका है उसको भी आप यहीं पर कर लीजिए। क्या कह रहा है, इक्वेशन दे रखी है आपके सामने पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के, तो आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर भी x की वैल्यू 1 ही रखेंगे क्योंकि उसी से पता करना है। तो x की वैल्यू 1 रख के क्या होगा, k इंटू वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस के। अब दो बार k आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया k माइनस थ्री प्लस के, ये हो गया 2k माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ हो गया k इज इक्वल टू थ्री बाय टू। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घुमाने के लिए देते हैं, क्या दिक्कत है। तो k इक्वल टू थ्री बाय टू आपका फाइनल आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसे भी देख लीजिए। कहता है फैक्टराइज़ करिए इनको। अब फैक्टराइज़ करने के लिए आपके पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मेथड है, आता ही है, कर दीजिए ज़रा। ये कह रहा है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, इसको फैक्टराइज़ करना है। तो 12 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, इसका फैक्टर करेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, इसको पुट करना है तो 3 2 जा 6 प्लस नहीं 2 2 जा 4 प्लस 3, ऐसे करिए। तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। अब इन दोनों में से कॉमन निकालिए तो आपका कॉमन हो जाएगा 4x, बचेगा x माइनस 1। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो आपका बचेगा 4x और ब्रैकेट में बच जाएगा आपका 3x माइनस 1। और इन दोनों में से आप कॉमन निकाल लीजिए माइनस 1, तो फिर बच जाएगा आपका 3x माइनस 1, यानी कि 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और 3x माइनस 1 एक ब्रैकेट में। तो ये दो आपके फैक्टर्स हो गए, यानी कि 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 बाय 4, और दूसरा हो गया 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 1 बाय 3। क्लियर है, ये दो चीज़ें हो गई। अगला देखिए, अगले इक्वेशन में क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इसको फैक्टराइज़ करना है। तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, इसका फैक्टर करेंगे तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो आप इसको लिख सकते हैं 6 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3, क्योंकि 6 और 1 जोड़ के साथ भी आ जाएगा और 6 कम 6 भी रह जाएगा। इन दोनों में से कॉमन लेंगे 2x कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा x प्लस 3, प्लस इन दोनों में से 1 कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा x प्लस 3। तो अब ये दोनों ब्रैकेट में ये हो जाएगा 2x प्लस 1, और इसमें से जो ये दोनों वाले कॉमन, ये हो जाएगा x प्लस 3। तो यानी कि दो फैक्टर मिल गए आपके पास, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1 बाय 2, और दूसरा x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 3, दो फैक्टर्स आपके पास हो गए। इसी में तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा इक्वेशन कह रहा है कि 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, चौथा है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 6 और 6 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 36 आएगा, इसका फैक्टर करेंगे 2 से 18, 2 निम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब आपको 5 चाहिए, तो 3 तिया 9 और 2 दुनी 4, 9 माइनस 4 कर सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, तो इस दोनों में से कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा, x भी कॉमन आएगा, तो ये आपका बच जाएगा 2x प्लस 3, है ना। और माइनस इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो आपका बच जाएगा 2, तो अंदर बच जाएगा 2x प्लस 3, तो ये हो गया आपका 3x माइनस 2 एक ब्रैकेट में और 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में। तो आपके पास ये दो फैक्टर हो गए, दोनों को 0 रख दीजिए, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये हो गया 3x इक्वल टू 2 और ये हो गया x इक्वल टू 2 बाय 3, और दूसरा हो गया 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये हो गया x इक्वल टू माइनस 3 बाय 2।
आपके सामने दो वैल्यूज़ आ गई। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, ये आपके सामने है 3x² - x - 4, तो 4 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 12, फैक्टर करेंगे 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3। अब आपको x चाहिए तो 4 और 3 रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3x² - 4x + 3x - 4, तो ये हो जाएगा, दोनों में से कॉमन लेंगे x तो ये अंदर बच जाएगा 3x - 4, और यहाँ से कॉमन लेंगे 1 तो ये हो जाएगा 3x - 4। अब ये दोनों ब्रैकेट में है तो ये हो जाएगा x + 1 और इधर हो जाएगा 3x - 4। तो अब दो फैक्टर मिल गए, x + 1 = 0 यानी कि x = -1, और दूसरा 3x - 4 = 0 यानी कि x = 4/3। आपके सामने दो अलग अलग फैक्टर्स हो गए। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, कह रहा है फिर से फैक्टराइज करने के लिए। अब इस बार क्यूब वाले फैक्टर्स हैं, ये लंबे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको सिखाया वही तरीका लगाएंगे। आपके सामने दिया है x³ - 2x² - x + 2। अब देखो जो सबसे लास्ट में, देखो ये वाला जो टर्म है इसके साथ कोई दूसरा कॉन्स्टेंट नहीं है 1 के अलावा, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे लास्ट में जो नंबर है 2, इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर 1 और 2 हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक ट्राई करके देखिए, +1 - 1 + 2 - 2, तो उससे आपको 0 मिल जाएगा। जरा करके देख, इसमें से हमें एक बात ये भी समझ में आती है कि ये बड़ा हल्का, मत भाई इसके दो ही फैक्टर हो रहे हैं ना, 1 और 2, तो ये हमारे लिए करने में ईजी रहेगा। तो आप चाहो तो दोनों तरीक़ों से ट्राई कर सकते हो। पहला तरीका तो यही है जैसा कि अभी हमने पिछले उसमें कंसेप्ट वीडियो में किया था, वैल्यू पुट करके देखें, जिससे ज़ीरो आए उससे फिर डिवाइड करें। जैसे x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करके देखूं तो ये हो जाएगा 1³ - 2 × 1² - 1+2, तो ये हो गया 1 - 2 - 1+2, ये हो गया 3 - 3 = 0। ये 0 आ गया, यानी कि x - 1 इज़ अ फैक्टर, एक फैक्टर आपको यहाँ से ये पता चल गया। अब दूसरा बाकी पता करने के लिए x - 1 से इसको डिवाइड करिए, और डिवाइड करके जो आएगा उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करिए, आप कर सकते हैं, ये तरीका है। और दूसरा, ये साफ देख के लग रहा है कि बहुत 2 ही बस इसके कुल फैक्टर हैं, तो इसके लिए ज़्यादा मगजमारी की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है, तो ज़रा ट्राई करके देखें। देखो क्या लिखा है आपके सामने इक्वेशन, x³ - 2x² - x + 2। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको अरेंज कर लेते हैं। मैं x³ के साथ -x रख लेता हूँ, इस दोनों में से 1 1 कॉमन हो जाएगा और x भी, और यहाँ -2x² के साथ +2 रख देता हूँ, इन दोनों में से -2 कॉमन हो जाएगा। तो अब यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो बच गया x² - 1, और इन दोनों में से -2 कॉमन निकालेंगे तो बच गया x² - 1, यानी कि x - 2 और x² - 1 इसके दो फैक्टर हैं। अब x - 2 तो ऐसे ही रहेगा, और x² - 1 है a² - b², तो इसका होता है a - b a + b, यानी हमारे पास 3 इसके फैक्टर्स हो गए भाई, 1 प्लस का और 1 माइनस का, 2 प्लस का और 2 माइनस का, यही 4 फैक्टर बन रहे थे इसके, इसमें से 3 हमें फाइनली रिजल्ट मिल गया, ठीक है ना। तो आप दोनों तरीके से ट्राई करके देख लेंगे, जब तक खुद करेंगे नहीं जब तक आपको आएगा नहीं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, x³ + 13x², देखो लिख लो, x³ + 13x² + 32x + 20, इसको निकालना है। 4 क्वेश्चंस है ना, चारों कर लेते हैं, आपको तरीका मालूम है, ये इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, नहीं है, तो बचा क्या 20, इस 20 का फैक्टर करके देख लीजिए तो यह आ जाएगा 2 से 10 2 से 5 5 1 से 5 तो 2 2 5। अब इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, प्लस का 2 माइनस का 2, और हो सकता है प्लस का 5 माइनस का 5, और हो सकता है प्लस का 4 माइनस का 4, और हो सकता है प्लस का 1 माइनस का 1, और हो सकता है प्लस का 10 माइनस का 10, और हो सकता है, ठीक है। तो इन सभी को ट्राई करके देखना होगा, उसमें से कोई एक निकालिए और फिर उससे हम डिवाइड करके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे पहुंच जाएंगे। तो सबको ट्राई करने से बढ़िया है कोई एक सौदा देखिए। अब देखिए सब कुछ यहाँ पर आपके सामने प्लस 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 में है,
इसका मतलब है प्लस वाला नंबर रखेंगे तो बात बनेगी नहीं, माइनस वाले से ही बात बनेगी, तभी तो घटेगा ना आपस में। चलिए ट्राई करके देखते हैं। शुरुआत x इक्वल टू माइनस वन से ही कर लेते हैं। तो अगर x की जगह माइनस वन पुट किया, क्योंकि ये आपको पी एक्स दिया हुआ है ना, तो आप x की जगह माइनस वन रख के देखें तो ये माइनस वन का क्यूब प्लस 13 इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस 32 इंटू माइनस वन प्लस 20, तो ये हो जाएगा माइनस वन प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20। तो अब करेंगे इसको तो 20 दस 30, 3 33 और माइनस 33, यानी कि प्लस का 33 माइनस का 33, ये ज़ीरो आ गया। यानी कि यस, x इक्वल टू माइनस वन फैक्टर है, यानी कि x प्लस वन इज़ अ फैक्टर। अब x प्लस वन फैक्टर है तो ज़रा x प्लस वन से इसको डिवाइड कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ना समय लगना है। डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 13x² एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, इसको डिवाइड करेंगे। अब हमें एक्स क्यूब चाहिए तो एक्स स्क्वायर से कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर। अब साइन चेंज करेंगे, ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 13x² में से एक एक्स स्क्वायर गया तो बचा 12x² प्लस 32 ऊपर से उतरेगा और प्लस 20 ऊपर से उतरेगा, ठीक है। तो 32x और 20 प्लस के, अब हमें चाहिए 12 का एक्स स्क्वायर, तो प्लस 12x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 12x से x को करेंगे तो ये हो जाएगा 12x² और ये हो जाएगा प्लस का 12x। साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस ये कैंसिल, 32 में से 12 गया, बच गया 20x प्लस 20। अब 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 20x प्लस 20, साइन चेंज होगा, माइनस माइनस कैंसिल। यानी हमें फाइनली क्या मिल गया, हमें मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, ये क्वेश्चन है। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है तो 1 इंटू 20 करेंगे तो 20 आएगा आपके सामने, और 20 का फैक्टर हमने ऊपर किया था 225। अब इस तरीके से अरेंज करना है कि 12 आ जाए तो आप कर सकते हैं 5 × 10 और 2 × 12, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। दोनों में से x कॉमन लेंगे बचेगा x प्लस 10, प्लस दोनों में से 2 कॉमन लेंगे बचेगा x प्लस 10, यानी कि ये आपके सामने हो गया x प्लस 2 ब्रैकेट में और फिर x प्लस 10 ब्रैकेट में, यानी आपके पास दो फैक्टर्स आ गए, एक x प्लस 2 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू माइनस 2 और एक x प्लस 10 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू माइनस 10, दो वैल्यूज़, यानी x प्लस 2, x प्लस 10 और x प्लस 1, ये तीन इस इक्वेशन के वैल्यूज़ हैं, क्लियर है, फैक्टर हैं। और क्वेश्चन करके देखिए, एक क्वेश्चन और था हमारे सामने, चार है ना इसमें, एक और था, क्या है, इक्वेशन दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। अब ये भी है, यहाँ भी एक्स क्यूब के साथ कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, लास्ट में 5 है कांस्टेंट टर्म, तो 5 का फैक्टर करना होगा। 5 का फैक्टर आपके लिए क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, यानी कि प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5। आप ट्राई करके देखिए, देखो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों चीज़ें मिक्स हैं तो हमारा प्लस भी आंसर हो सकता है और माइनस भी, रख के देखते हैं। वैल्यू रख लीजिए, अगर आप रखेंगे 1 प्लस का तो ये 1 का क्यूब 1 रह जाएगा और ये 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5, ये 0 नहीं हो रहा। माइनस 1 रख के देखते हैं, ये आपके सामने पी एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है, आप x की जगह माइनस 1 रख करके देखिए तो हो जाएगा माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 माइनस 5, तो ये हो गया माइनस का 1 और ये प्लस इंटू माइनस, माइनस का 3 प्लस का 9 माइनस का 5, तो ये हो गया माइनस का 9 प्लस का 9 दैट इज़ इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ से ये पता चल गया कि x की वैल्यू माइनस 1 रखा तो 0 हो गया, यानी x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है। अब x प्लस 1 फैक्टर है तो x प्लस 1 से डिवाइड कर लेते हैं, किसको, x प्लस 1 से x क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 को डिवाइड कर लेते हैं, वैल्यू जो आएगी उसका मिडिल टर्म कर लेंगे। तो एक्स क्यूब चाहिए तो एक्स स्क्वायर से करिए, यह हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर,
साइन चेंज करेंगे, ये हो गया माइनस माइनस, ये कैंसिल, माइनस का 3x² माइनस का x स्क्वायर हो गया, माइनस का 4x² माइनस का 9x उतरा, माइनस का 5 उतरा। ठीक है, अब आप क्या चाहिए हमें, माइनस का 4x² चाहिए, तो माइनस के 4x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका माइनस का 4x² और माइनस का 4x। अब साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल, 9x में से 4x गया, तो माइनस का 5x माइनस 5। अब आप इसको माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का 5x माइनस का 5, साइन चेंज होगा प्लस प्लस, ये हो जाएगा 0, यानी कि 0 हो गया। तो हमें फाइनली क्या क्वेश्चन मिला, x² माइनस 4x माइनस 5। अब इसका हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है ताकि हमें और बाकी फैक्टर्स मिल सकें। तो 5 का आपको पता ही है, 5 और 1 ही फैक्टर हैं, तो आप लिखिए x² माइनस 5x प्लस 1x, तो घट के माइनस का 4x आ जाएगा, माइनस 5। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे x, तो बच गया x माइनस 5, इन दोनों में से कॉमन लेंगे प्लस का 1, तो बच गया x माइनस 5, यानी आपके पास x प्लस 1 और x माइनस 5, ये दो फैक्टर्स आ गए, यानी x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू 5, ये दो वैल्यूज़ हो गई। तो आपके पास फाइनली तीन फैक्टर्स हो गए, x प्लस 1 हो गया, x माइनस 5 हो गया, और x प्लस 1 तो हम पहले ही निकाल चुके थे, एक बार और x प्लस 1 आ गया दोबारा, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो देखिए क्या कहता है, कहता है कि 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, इसको फैक्टराइज करना है। तो अब देखो यहाँ पर 2 है, अब हमें ये 2 हटाना होगा, ये 2 हटाएंगे तो सबको 2 से डिवाइड करना होगा, तो ये हो जाएगा 2y³ बाय 2 माइनस प्लस y² बाय 2 माइनस 2y बाय 2 माइनस 1 बाय 2। तो फाइनली ये कट जाएगा, और ये जो हमारे पास माइनस 1 बाय 2 आया, इसी से हमारा फैक्टर डिसाइड होगा, यानी हमारे पास माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 एज अ फैक्टर है। कोई बड़ा नंबर होता 5, 4, 3, 8, कुछ ऐसे ऐसे नंबर्स होते तो हम सोचते, पर ये तो ईजी है, रख के देख लेते हैं। हमारे सामने px इक्वल टू दिया हुआ है 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, ये तो हमने सिर्फ पता करने के लिए किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर px नहीं py दिया हुआ है, तो अब यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे, माइनस 1 बाय 2 रखते हैं ज़रा, माइनस 1 बाय 2 रखने पर ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 1 बाय 2 का क्यूब प्लस माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 बाय 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 1 बाय 8 प्लस 1 बाय 4 प्लस 2 से 2 कट गया 1 माइनस 1, तो ये कैंसिल, और ये 2 4 जाए 8, तो 1 बाय 4 माइनस का 1 बाय 4 प्लस का, ये भी कैंसिल, यानी 0 आ गया, यानी कि p इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 वैल्यू रखने पर ये 0 हो जा रहा है, यानी कि p प्लस 1 बाय 2 इसका फैक्टर है, y प्लस 1 बाय 2 इसका फैक्टर है। अब y प्लस 1 बाय 2 से आपको इसको डिवाइड करना है, और डिवाइड करके जो आएगा उसका फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। तो हमें y प्लस 1 बाय 2 से करना है, इक्वेशन है हमारे सामने 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, तो हमें y क्यूब चाहिए, तो 2y² से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यह आ जाएगा हमारा 2y³, और 2 से इसकी करेंगे तो कट के आ जाएगा y². ठीक है, अब साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बच गया माइनस 2y माइनस 1। अब फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2y, लेकिन हमें माइनस का 2y चाहिए, तो हम माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया हमारा माइनस का 2y, और 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया माइनस का 1, साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, कैंसिल, 0, यानी हमारे पास जो क्वेश्चन आया वो आया 2y² माइनस 2। आसान है, अब आप मिडिल टर्म क्या करोगे, अब इसमें देखो सीधा 2 कॉमन निकाल दो, बच गया y² माइनस 1, है ना, तो अब ये पूरा एक फैक्टर हो गया, यानी कि 2y² माइनस 1 इक्वल टू 0,
तो अब 2 तो उधर जाके 0 ही हो जाएगा, तो आपके पास बच गया वाई स्क्वायर माइनस 1। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, यानी आपके पास y माइनस 1 और y प्लस 1, ये दो फैक्टर्स बच गए इसके। तो क्या हो गया फाइनल आंसर, एक फैक्टर हो गया आपका y माइनस 1, एक फैक्टर हो गया आपका y प्लस 1 और एक फैक्टर हो गया y प्लस 1 बाय 2 है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2y प्लस 1, ऐसे भी लिख सकते हो, वो एलसीएम लेके कर देते हैं, पर कोई नहीं, आपको y प्लस 1 बाय 2 भी सही है, y माइनस 1 भी सही है, y प्लस 1 भी सही है। ठीक है, क्लियर हो गया निकालना। कुछ लोग, कुछ बच्चे जो थोड़ा सा दिमाग तेज लगा सकते हैं, वो इन्हीं क्वेश्चंस को और भी तरीकों से कर सकते हैं तोड़ तोड़ के, पर ये तरीका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसीलिए मैंने आपको ये तरीका समझाया है। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने दिया है 2y³ प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, तो कई बच्चे इसे, जो तेज़ है, जो दिमाग लगा सकते हैं, वो इसे तोड़ सकते हैं। 2y³ को छोड़ दिया और 2y² को हम लिख सकते हैं माइनस 2y² प्लस 3y², तो घट के आपका आ जाएगा प्लस का 1y². ऐसे ही माइनस 2y को लिख सकते हैं माइनस 3y प्लस y और माइनस 1, ऐसे ही है। अब यहाँ पर कॉमन ले लेके इसमें से इसमें से इसमें से कॉमन ले लेके, अब इसमें से 2y² कॉमन ले लिया तो बच गया y माइनस 1, इसमें से 3y कॉमन ले लिया तो बच गया फिर से y माइनस 1, और इसमें से प्लस 1 कॉमन ले लिया तो बच गया y माइनस 1। तो तीनों में से y माइनस 1 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बच गया 2y² प्लस 3y प्लस 1। अब इस 2y² प्लस 3y प्लस 1 का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया तो वैल्यू निकाली, और y माइनस 1 वैल्यू तो है ही आपके पास। इस तरीके से आपके आंसर्स मिल जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी तरह से आ गया होगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए। अगली एक्सरसाइज में अगला कंसेप्ट। जय हिंद।